सीकर के नीम का थाना में कल देर रात एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया। पलटे ट्रेलर पर बिजली का पोल गिर गया जिससे उसमें आग लग गई। हेल्पर को ट्रेलर से निकालने का मौका ही नहीं मिला और उसमें वह जिंदा जल गया। नीम का थाना स्थित चोर की घाटी में क्रेशर से रोड़ी लेकर एक ट्रेलर पाटन की तरफ जा रहा था। रास्ते में एक मोड़ पर ड्राइवर गाड़ी संभाल नहीं सका और ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया। पलटने के बाद ट्रेलर रगड़ खाता हुआ बिजली के पोल से जा टकराया। इससे बिजली का पोल उसके ऊपर गिर गया और ट्रेलर में धमाके के साथ आग लग गई। आग लगने के बाद ड्राइवर जैसे तैसे ट्रेलर से बाहर निकल गया लेकिन हेल्पर उसमें फंस गया। घायल हो जाने के कारण वह ज्यादा हाथ पैर भी नहीं मार सका। देखते ही देखते हेल्पर ट्रेलर में जिंदा जल गया। ट्रेलर को जलता देख आसपास के इलाकों के ग्रामीण आए और पुलिस को सूचना दी। सदर पुलिस के आने तक ट्रेलर का अगला हिस्सा पूरी तरह जल चुका था। आग बुझने पर पुलिस ने हेल्पर का शव बाहर निकाला। मृतक हेल्पर नरेश सिंह कोटपुतली के बनेठी का रहने वाला था। आग इतनी भीषण थी कि ट्रेलर से हेल्पर के अवशेष ही मिल पाए।